वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना के फुल क्रिकेटिंग करियर के बारे में। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। रैना वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 चैंपियंस ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल चैंपियंस लीग जैसे लीग का हिस्सा रहे हैं। सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 109 मैचेस में 62 के स्ट्राइक रेट से 6871 रन बनाया है और 41 विकेट भी लिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में भी उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए सुरेश रैना ने 302 मैचेस में 94 के स्ट्राइक रेट से 8078 रन बनाया है और 64 विकेट भी लिया है। सुरेश रैना को टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला था, जहां पे उन्होंने 18 मैचेस में 53 के स्ट्राइक रेट से 768 रन बनाया था और उन्होंने 13 विकेट्स भी लिया था। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए सुरेश रैना ने 226 मैचेस में 93 के स्ट्राइक रेट से 5615 रन बनाया था और 36 विकेट्स लिया था। T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो सुरेश रैना ने टीम इंडिया की तरफ से 78 मैचेस में 134 के स्ट्राइक रेट से 1605 रन बनाया था और 13 विकेट लिया था। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात लायंस की तरफ से खेलते हुए 205 मैचेस में 136 के स्ट्राइक रेट से 5528 रन बनाया था और 25 विकेट लिया था। अगर हम सुरेश रैना के फुल T20 करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने 336 मैचेस में 137 के स्ट्राइक रेट से 8654 रन बनाया था और 54 विकेट लिया था। सुरेश रैना ने असम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरफ से फरवरी 2003 को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में मध्य प्रदेश के खिलाफ 9 जनवरी 2005 को डेब्यू किया था। सुरेश रैना ने 26 जुलाई 2010 को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और बेहतरीन शतक भी लगाया था। सुरेश रैना ने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ भी अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 दिसंबर 2006 को T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उनका आईपीएल डेब्यू सीएसके की तरफ से किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 19 अप्रैल 2008 को हुआ था। सुरेश रैना वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियन ट्रॉफी 2013 विनिंग टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सीएसके की तरफ से सुरेश रैना ने 2010, 11, 18 और 21 में आईपीएल जीता था और 2010 और 14 का चैंपियंस लीग T20 का विजेता भी बने थे। सुरेश रैना T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, साथ ही तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ही थे। सुरेश रैना वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने T20 क्रिकेट में 6000 और 8000 रन बनाया था। सुरेश रैना वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन कंप्लीट किया था और बेहतरीन कंसिस्टेंसी से लगातार 7 सीजन और टोटल 9 सीजन उन्होंने 400 प्लस रन स्कोर किया था। सुरेश रैना आईपीएल में दूसरे और पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 100 सिक्सेस हिट किया था, इसलिए उन्हें मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। सुरेश रैना 842 रन के साथ चैंपियंस लीग T20 के भी हाईएस्ट रन स्कोरर है। बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ वो दुनिया के टॉपेस्ट फील्डरों में से एक है। इस बात का प्रूफ ये है कि सुरेश रैना ने अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा 107 कैचेस लिया है। एक बेहतर खिलाड़ी होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है। उनको हमेशा अपने टीम के यंगस्टर्स, ऑपोजिशन प्लेयर्स और फैंस के साथ अच्छे व्यवहार करते ही पाया गया है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड को महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के दोस्ती के बारे में तो बता ही है। उन दोनों के दोस्ती को हमने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों जगह में देखा है। जब महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, तब सुरेश रैना ने भी भावुक होकर 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद सुरेश रैना को आईपीएल ऑक्शन 2022 में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। और फिर हमने सुरेश रैना को स्टार स्पोर्ट्स में क्रिकेट कमेंट्री करते हुए देखा। 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को अब हम कभी भी आईपीएल में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। हम उनको क्रिकेटिंग फील्ड में बहुत ही मिस करने वाले हैं, साथ ही उनके सेकेंड इनिंग्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप सुरेश रैना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और प्लीज हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आखिरकार हमारे चैनल क्रिकेट लवर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।